क्लासेस तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल प्रोफाइल में होता है हमारा वर्टिकल सेक्शंस ऑफ सॉइल्स कि उसकी लेयर्स कैसी कैसी होती है, और कंपोनेंट्स में हम पढ़ेंगे कि सॉइल किस किस चीजों से बनी होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला आता है हमारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल, जिसमें हमारे चार कॉम्पोनेंट्स मेन होते हैं। सबसे पहला होता है मिनरल मैटर, दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड होता है हमारा सॉइल वाटर या सिंपली हम वाटर कहते हैं, या फिर लास्ट है हमारा एयर, जिसे हम सॉइल एयर भी कह सकते हैं। सॉइल वाटर और सॉइल एयर टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वाटर और एयर है सॉइल में प्रेजेंट रहेगी। तो अब आगे देखते हैं, इन्हें हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं। इंडिविजुअल पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये चारों कॉम्पोनेंट्स का सॉइल में शेयर कितना रहता है। इस टॉपिक को हम बोल रहे हैं वॉल्यूम शेयर। अब ये जो वॉल्यूम शेयर है, ये ऑप्टिमम कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए हम लोगों ने देखा है, कर रहे हैं इधर। तो यहाँ पे जो होगी क्रॉप ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस क्या रहेंगी सॉइल के अंदर। तो सॉइल को अगर हम 100% में डिवाइड करें कि अगर हम 100% में से कितना शेयर सॉलिड स्पेस को देंगे और कितना ही पोर स्पेस को देंगे, तो हम ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर सॉलिड स्पेस को भी 50% देते हैं और पोर स्पेस को भी 50% देते हैं। अब जो सॉलिड स्पेस के अंदर आते हैं वो आते हैं हमारे मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल मैटर बनाते हैं अबाउट 45% ऑफ द सॉलिड स्पेस एंड ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं अबाउट 5% ऑफ द सॉलिड स्पेस। नाउ व्हेन वी कम टूवर्ड्स दी पोर स्पेस, जो कि अदर 50 हाफ बना रहे हैं, उसमें से जो फर्स्ट शेयर आता है वाटर का आता है, जब वो 25% होता है और एयर का भी 25% होता है। अब मैंने ये नीचे एक एरो करके लिख रखा है, वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचुरल कंडीशंस। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने परसेंटेज लिया है ऑफ वाटर एंड एयर, दिस कैन बी चेंज। मतलब जब भी हमारा वाटर ज्यादा होगा तो एयर का परसेंटेज कम हो जाएगा, और जब भी एयर ज्यादा होगी, एयर किस कंडीशंस में ज्यादा होगी, जब भी हमारा इवेपोट्रांसपीरेशन होगा। इवेपोट्रांसपीरेशन मतलब जब हमारा वाटर हमारा ट्रांसपीरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाए, ठीक है, तो वो उस कंडीशन में, या फिर हमारा लीचिंग हो जाना। हमारे लीचिंग में क्या होता था कि वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे न्यूट्रिएंट्स के साथ नीचे की तरफ चले जाते हैं, मूवमेंट नीचे की तरफ होता है, तो अपर लेयर में क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, वाटर कम अमाउंट में रहा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब स्पेसेस खाली रहे तो एयर बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है ये वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचुरल कंडीशंस। अब इंडिविजुअल टर्म्स को हम देख लेते हैं कि मिनरल मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, वाटर और एयर क्या होता है, और इनके इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल के अंदर। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइल, मिनरल मैटर। तो मिनरल मैटर क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, मिनरल मैटर इज कम्पोज ऑफ ब्रोकन एंड डिसइंटीग्रेटेड रॉक फ्रेगमेंट्स। इसका मतलब क्या है, जब भी वेदरिंग प्रोसेस से कोई बड़ी वाली रॉक टूटती है बाय द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग फैक्टर से, तो वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूटती है और उसे ही हम मिनरल मैटर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, सम रॉक फ्रेगमेंट्स आर ऑफ कोर टेक्सचर्स, एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे बायोटाइट मॉस्कोवाइट क्वार्ट्ज, और कुछ हमारी जो रॉक फ्रेगमेंट्स होती हैं फाइनली टेक्सचर की होती हैं, जैसे कि सिलिका क्ले, हाइड्रस ऑक्साइड क्ले ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारी रॉक फ्रेगमेंट्स टूटती हैं, या तो वो कोर्स टेक्सचर की होती हैं या फाइन टेक्सचर की होती हैं। कोर्स टेक्सचर का मतलब, जब वेदरिंग वाला टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि हैवी या फिर लार्ज पार्टिकल साइज को हम कोर्स टेक्सचर कहते हैं, जबकि फाइन मतलब हमारा होता है स्मॉल साइज, ठीक है, जो थिन हो, ठीक है, थोड़ी सी, तो उसको बोलते हैं हम फाइनली टेक्सचर्ड क्ले और हाइड्रस ऑक्साइड। हमें जो है क्ले एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रखना चाहिए इस वाले में, फाइनली टेक्सचर्ड में, और क्वार्ट्स और बायोटाइट हमारे कोर्स टेक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिनरल मैटर हो गया। मिनरल मैटर जो होता है हमारे, दो तीन एलिमेंट्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो वो एक ही का ही कॉम्बिनेशन हो, नहीं, जब अगर हमारी दो तीन रॉक्स का हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है तो वो दो तीन रॉक्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसीलिए मिनरल मैटर जो कंपोज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स के फ्रेगमेंट से कंबाइन होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा उसका कंपोजिशन भी दो से अधिक मिनरल्स का हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड कंपोनेंट ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर इज पार्टली डिकेड प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यूज बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी इन द सॉइल। जब भी हमारे प्लांट और रेसिड्यूज को, प्लांट या फिर हमारे एनिमल रेसिड्यूज को माइक्रोबियल एक्टिविटी या फिर माइक्रोब्स उन पे एक्ट करें, और उससे क्या बनता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है ये पार्टली डिकम्पोज होता है, मतलब फुल्ली डिकम्पोज नहीं होगा, हमेशा पार्टली डिकम्पोज रहता है, और उसे ही हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। अगर फुल्ली डिकम्पोज कर जाए ऑर्गेनिक मैटर तब क्या कहते हैं, ह्यूमस, ठीक है। तो जब भी हमारे प्लांट और रेसिड्यूज को माइक्रोबियल एक्टिविटीज
हमारी एक्ट करती हैं उन पे, वो ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म कर लेता है जो कि पार्टली डिकम्पोज्ड नेचर का होता है, या पार्टली डिकेड भी बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ये हमेशा टॉप सॉइल पे मिलेगा, हमारी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उस पे मिलेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा 3-5% इसका शेयर रहता है, टाइनी फ्रैक्शन जो है इसका हमारा पोर्शन रहेगा। इवन हम लोगों ने वॉल्यूम शेयर में भी इसे देखा था कि वॉल्यूम शेयर में ये कितना बना रहा था, अबाउट 3-5%। अब ये 3 वाला तो परसेंटेज इसका वैरी करेगा, वो तो ऑप्टिमम कंडीशंस के लिए हम लोगों ने 5 लिया था। इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी सॉइल के अंदर? ये एक तो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, मतलब ये हमारे जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारे एनपीके हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो सब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कई सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एनर्जी सोर्स का काम करता है, एक्ट एज अ चिलेट। ये मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी ये चिलेट क्या होता है। और लास्ट होता है डिक्रीजेज द सॉइल इरोजन। ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये एक टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है, तो सॉइल बाय जो सॉइल इरोजन होते हैं विंड से हो गए है ना, या फिर हमारे वाटर से हो गए, तो उनको प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये अपर लेयर एक फॉर्म कर लेता है जो कि प्रिवेंट करेगा नीचे वाली लेयर को इरोड होने से। तो अब देख लेते हैं ये चिलेट क्या है एक बार, तो हमें ये पूरे सारे इंपॉर्टेंट जो हैं इसके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस कि ये चिलेट क्या है। चिलेट हम लोगों ने वहां अभी देखा जस्ट कि हमारे ऑर्गेनिक मैटर जो है चिलेट की तरह काम करते हैं। तो चिलेट क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बॉन्ड बनाता है एक मेटल से, और ये जो बॉन्ड होता है एक नहीं एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह बनाएगा कि वो एक साइक्लिक या फिर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये M देखूँ, ये हमारा मेटेलिक कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब ये मेटेलिक एलिमेंट दो तरफ से बॉन्ड बना रहा है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक तो बॉन्ड ये दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, तो ये दो तरफ से बना रहा है। अब ये दो तरफ से बॉन्ड बनाने की वजह से हमें एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह। तो ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना इसे ही हम चिलेट कहते हैं। अब ये चिलेट का काम क्या है, अब ये जो चिलेट बना है यहाँ पे, ये मेटेलिक एलिमेंट बना है, तो इससे क्या होता है, इसकी मोबिलिटी या हम लोग बोलते हैं मोटेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब मोटेलिटी बढ़ने से क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको ये मेटेलिक एलिमेंट्स बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब पहले जो हमारा प्रोसेस होते थे, डिफ्यूजन से हो रहा है, मेटेलिक एलिमेंट्स वैसे मिल रहे हैं, तो अब इधर क्या होगा, हमारा आसानी से चिलेट जो है इजिली हमारे प्लांट को उसे अवेलेबल करा देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होता है हमारे ऑर्गेनिक मैटर का कि वो एज अ चिलेट काम करता है हमारे न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में इनटू द प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल वाटर। ये हमारा थर्ड कंपोनेंट है सॉइल का। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये जो पोर स्पेसेस में आता है, हम लोगों ने दो पार्ट्स पढ़े थे सॉइल के, एक होता है हमारा सॉलिड स्पेस और एक होता था हमारा पोर स्पेस। तो जो हमारा पोर स्पेस होता है उसमें 25% सॉइल वाटर होता है, और आधा मतलब जो रेस्ट 25% है वो हमारा एयर बनाता है, ठीक है। तो जो ये सॉइल वाटर होता है ये प्लांट ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करता है, इसीलिए बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन प्लांट ग्रोथ रिलेशनशिप। अगर पानी नहीं दोगे तो प्लांट कैसे होगेगा, सिंपल सी बात है, इसीलिए तो हम पानी देते हैं प्लांट को, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, डिपेंड ऑन द सॉइल टेक्सचर स्ट्रक्चर नेचर ऑफ द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल, इधर कैटायन होगा, ठीक है, कैटायन साइज। ये क्या करता है, हमारा सॉइल वाटर होता है डिपेंड करता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कितना ही एक्सचेंजेबल कैटायन उसके अंदर है, उस पर डिपेंड करता है हमारा सॉइल वाटर। वाटर हेल्ड विद इन द पोर्स ऑफ द सॉइल, जो हमारी सॉइल वाटर होगी वो जो गैप्स होते हैं सॉइल के अंदर, स्पेसेस होते हैं, उन्हीं के अंदर ये पानी ठहरता है या रुकता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा डिग्री ऑफ फोर्स को दर्शाता है, मतलब दिखाएगा। इसका मतलब क्या समझे हम, कि अगर हमारा अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज करा, जो कि मैंने हमारे फिफ्थ पॉइंट में लिख रखा है, कि अगर हमने अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल के अंदर इंक्रीज कर दिया, तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, WHC से भी बोलते हैं इसे, ठीक है, तो रिटेंशन कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? जब आप सारे स्पेसेस में पानी भरते चले गए, जब पानी आता जा रहा है तो उतने ही स्पेसेस कम होते जाएंगे, जब गैप्स कम होते जाएंगे तो अब जो आप पानी एक्स्ट्रा डालेंगे वो कहाँ जाएगा, नहीं फिल कर पाएगा, तो उसे ही हम बोलेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाए सॉइल की। तो यहाँ पर सिक्स्थ पॉइंट में आता है, वाटर हैव डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मेक्स
अब सॉइल सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट फॉर सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट। सेम बात है कि इसमें लिखा है हमारा जो सॉइल वाटर होता है इसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे प्लांट को ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रहे हैं। इवन हमारे माइक्रो हो गए या मैक्रो हो गए, दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करे जाते हैं थ्रू द सॉइल वाटर। इसमें जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट कॉम्पोनेंट है सॉइल का, वो है सॉइल एयर। तो सबसे पहला पॉइंट है पोर्स दैट आर ऑक्यूपाइड बाय द एयर स्पेसेस आर वॉइड्स, या फिर हम बोल सकते हैं जो स्पेसेस या गैप्स प्रेजेंट होते हैं वो खाली होते हैं। खाली होने का मतलब क्या है? उनके अंदर हवा होती है। अब ये जो एयर होती है सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, या ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, और अदर गैसेज भी हो सकती है। लेकिन हम शेयर की बात करें, परसेंटेज शेयर किसका सबसे ज्यादा होता है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है सबसे ज्यादा शेयर इन दी सॉइल एयर। तो सॉइल एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो शेयर रहता है सबसे ज्यादा रहता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर हमारा नाइट्रोजन का। तो ये इस रेशियोज में हमारी गैसेस प्रेजेंट या एयर रहती है प्रेजेंट इन द सॉइल। थर्ड पॉइंट आता है अमाउंट डिफर्स फ्रॉम दोज इन द एटमॉस्फेरिक एयर। सॉइल हैज मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड / नाइट्रोजन देन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को बोला जाता है इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें यह बोला गया है कि जो अमाउंट रहता है हमारा सॉइल के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर दोनों ही अलग है, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में अमाउंट रहेगा एयर का वो बिल्कुल अलग रहेगा, अलग परसेंटेज होगी, जबकि जो सॉइल के अंदर है वो बिल्कुल अलग होगी। तो हम लोग सेम नहीं बोल सकते, तभी तो बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज होती हैं गैसेस। तो ये जो एक्सचेंज चल रहा है बिटवीन द टू, एयर और सॉइल के बीच में, एटमॉस्फेयर और सॉइल के बीच में, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि डिफरेंस हो रहा है। जब तक ग्रेडियंट नहीं फॉर्म होगा तो कैसे मूवमेंट होगा गैसेस का, है ना। तो सॉइल में जो होगा जहां पे मोर अमाउंट होगा उस तरफ से टुवर्ड्स द लेस अमाउंट की तरफ जाता है। इसमें लिखा है कि जो सॉइल होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों ही ज्यादा होती है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है सॉइल एयर का पूरा हमारे सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है वेल एग्रीगेटेड सॉइल स्पेसेस ऑफर्स रूट डेवलपमेंट एंड शूट इमर्जेंस। जो भी हमारे सॉइल स्पेसेस होते हैं ये जगह देते हैं रूट डेवलपमेंट के लिए और शूट इमर्जेंस के लिए। अगर हमारा पूरा ही स्पेस सॉलिड हुआ, अगर आपका पूरा ही स्पेस जो होता है अगर सीमेंट का होगा, तो कैसे वहां से हमारा रूट ग्रो करेंगे या प्लांट को ग्रोथ मिलेगी? तो नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही अगर सॉलिड स्पेस रहा, सिर्फ स्पेसेस नहीं रहे, तो रूट और शूट इमर्जेंस होगा कैसे? तो वैसे ही स्पेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं रूट डेवलपमेंट के लिए। रूट डेवलपमेंट नीचे साइड होगी, रूट्स तो नीचे ही डेवलप होती है, और शूट्स ऊपर अपवर्ड, जो हमारे फ्लावर्स फ्रूट्स बनाएंगे तो ऊपर जाने के लिए भी ये हमारे सॉइल स्पेस मदद करते हैं प्लांट को। सेकेंड आता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ वॉटर एंड एयर इज फाउंड इन दीज सॉइल्स। हमारा रिलेटिव अमाउंट मतलब रिलेटिव टर्म यूज करा जाता है जब हमें रेशियो फिक्स नहीं होते। रेशियो फिक्स नहीं होने का मतलब क्या है? अगर मेरा वाटर बड़ा, सेम बात है बार बार रिपीट हो रही है, पानी बड़ा तो एयर का स्पेस कम हो जाएगा, और अगर एयर बड़ी तो हमारा पानी का रेशियो कम हो जाएगा। तो ये क्या है, लेकिन जो अमाउंट रहेगा वो फिक्स ही रहेगा, कि अगर इन्हें 50% शेयर मिला है तो 50% पोर स्पेसेस रहेंगे। अब वो पोर स्पेसेस कौन घेर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा कि बारिश ज्यादा हुई या कम हुई, है ना। तो इस पर डिपेंड करता है, या फिर हमारा इवेपोरेशन कितना हुआ, ज्यादा हुआ या कम हुआ, उस पर डिपेंड करेगा। तो लेकिन 50% रेशियो इज कॉन्स्टेंट, वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कितना कितना शेयर कौन कौन घेर रहा है, वाटर घेर रहा है या पानी घेर रहा है, और वही रिलेटिव अमाउंट हो जाएगा उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ एनी रेनी सीजन वाटर रिप्लेसेज एयर एंड वाटर मूव डाउनवर्ड थ्रू द सर्फेस इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन एयर ग्रेजुअली रिप्लेस द वाटर एज इट लॉस फ्रॉम द पोर स्पेसेस। इसमें क्या है, यही जो पहला वाला पॉइंट है, अगर बारिश होती है तो वाटर रिप्लेस कर देता है एयर को, और जब भी वाटर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है और सरफेस पे बहुत ज्यादा इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन होता है तो वहां पे वाटर लॉस की वजह से पोर स्पेसेस में एयर भर जाती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन सरफेस सॉइल एंड सब सॉइल। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉइल प्रोफाइल की बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। तो सरफेस सॉइल और सब सॉइल के अंदर अंतर क्या होता है? सरफेस सॉइल को हम फरो स्लाइस भी कहते हैं, यहाँ पे फरो लिख लीजिएगा। सरफेस सॉइल को हम फरो स्लाइस भी कहते हैं, यहाँ पे फरो लिख लेना फ्यूचर की जगह, और ये हमारी सब सॉइल होती है। फर्स्ट पॉइंट जो आता है, इमीडिएटली द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ,
एंड सब सॉइल के अंदर इट इज फाउंड बिलो द फरो सरफेस सॉइल। इसका मतलब है जो हमारी सरफेस सॉइल होगी वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की, और जो सब सॉइल होती है वो जस्ट हमारी सरफेस सॉइल के नीचे फाउंड होती है, तो ये हमारी सब सॉइल हो गई। दूसरा पॉइंट आता है, जो हमारी सरफेस सॉइल होती है वो 0 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ की होगी। तो जो हमें अगर तो हमारी सब सॉइल कहाँ देखने को मिलेंगी, 0 to 15 सेंटीमीटर के नीचे। थर्ड पॉइंट आता है, यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन बिकॉज इट इज फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल होने के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की जाती हैं, नॉट कल्टीवेटेड बाय द टिलेज ऑपरेशंस। यहाँ पे जो सब सॉइल होती हैं यहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द टिलेज ऑपरेशंस, वहां पे ढंग से नहीं प्रॉपरली हो पाते। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा, न्यूट्रिएंट रिच होती हैं वो पुअर इन न्यूट्रिएंट होता है। जो हमारी सरफेस सॉइल होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि सब सॉइल के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में या फिर पुअर अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। सरफेस सॉइल जो फिफ्थ पॉइंट है, नो हार्ड पैन, यहाँ पे कोई हार्ड पैन नहीं बनता, जबकि सब सॉइल के अंदर हार्ड पैन होता है। हार्ड पैन और नो हार्ड पैन का मतलब ये है, अगर रूट इमर्जेंस हुआ या रूट डेवलपमेंट हुआ तो हार्ड पैन की वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट अपनी नीचे नहीं जा पाएगा टूवर्ड्स द वॉटर। तो वहां पे क्या होगा, प्लांट की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो कैसे सर्वाइव करेगा। तो हार्ड पैन के अंदर जो है हमारा रूट डेवलपमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इवन न्यूट्रिएंट अपटेक भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए सरफेस सॉइल पे हमें ज्यादा हार्ड पैन देखने को नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही हम सब सॉइल्स के अंदर जाते हैं वहां पे हार्ड पैन हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दी सॉइल प्रोफाइल। मोस्ट अवेटेड टॉपिक है ये हमारा पूरे सॉइल साइंस का, कि हमारा सॉइल प्रोफाइल होती क्या है। तो सॉइल प्रोफाइल जो होती है, वर्टिकल सेक्शंस होते हैं सॉइल्स के। वर्टिकल सेक्शन क्या क्या मतलब है कि हमारी सॉइल को अगर हम जमीन के नीचे जाके देखें कि कैसी, मतलब कितनी लेयर्स हैं, कैसी दिखती है, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है कि अर्थ में जो सॉइल होती है वो वर्टिकल सेक्शन में कुछ इस तरह दिखती है। ठीक है, तो वर्टिकल सेक्शन को ही सॉइल के, उसे ही हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। वर्टिकल सेक्शन बोल लो, वर्टिकल लेयर्स बोल लो, है ना, तो ये जो होते हैं इन्हें ही हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ होराइजन्स और लेयर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर बट डेवलप्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट मटीरियल्स। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी सीक्वेंस होती है होराइजन्स की, ये डिफरेंशिएटेड होती है, ये इनका जो डेवलपमेंट हुआ है होराइजन्स का ये बहुत ही ज्यादा अलग अलग है। हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उस लेयर में कैसी कैसी डेवलपमेंट हुई है सॉइल की, उस बेसिस पे हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट होराइजन्स में डिवाइड कर देते हैं। उससे ये मतलब नहीं है कि वो अलग अलग पेरेंट मटेरियल से बने, नहीं, वो एक ही पेरेंट मटेरियल से बने हैं, लेकिन ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस और द अदर फैक्टर्स जो है हमारे, वो डिफरेंशिएटेड लेयर्स बनी हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक एंड अदर फैक्टर्स की वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ लेयर्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर बट डेवलप्ड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स। तो हमारा सेम मटेरियल से बनी हुई है ये सारी होराइजन्स। इसमें थर्ड पॉइंट आता है, रेगोलिथ ऑफ रॉक्स एंड फ्रेगमेंट्स दैट रेस्ट ऑन द बेड रॉक आर प्रोड्यूस बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक। हमारी रेगोलिथ जो होती है एबीसी होराइजन्स का जो होती है सम होती है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं रॉक फ्रेगमेंट्स के, बेड रॉक भी इसमें कंसीडर करी जाती है, और ये प्रोड्यूस होता है बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक। जब भी रॉक की वेदरिंग होगी यहाँ पे रेगोलिथ फॉर्म होता है। जब वेदरिंग वाला टॉपिक पढ़ा था तब भी मैंने रेगोलिथ डिस्कस किया था, जब भी वेदरिंग होगी रेगोलिथ ही फॉर्म हो रही होती है, बाद में लेयर डिफरेंशिएट करके डिफरेंट डिफरेंट होराइजन्स में आ रही है, लेकिन अगर जो सॉइल इमिडिएट फॉर्म होगी वेदरिंग के बाद हमारी, उसे हम रेगोलिथ ही कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम कि सॉइल प्रोफाइल की जो होराइजन है इन्हें थोड़ा एक्सप्लेन और मोर डिटेल में कर लेते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाली है इसे ओ होराइजन कहते हैं, फिर आती है हमारी ए, फिर आती है हमारी बी, फिर आती है हमारी सी, और फिर आता है हमारा बेड रॉक। अगर हमारा सोलम की बात करें, सोलम सॉइल का दूसरा नाम बताया था, ठीक है, ए और बी का सम को बोलते हैं, ए और बी होराइजन कंबाइंड हम सोलम बोलते हैं, रेगोलिथ ए बी और सी होराइजन का कॉम्बिनेशन को हम रेगुलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट होराइजन्स और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी सब लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओ होराइजन। ओ होराइजन जो होता है सबसे वाला पहला
होराइजन या फिर लेयर होती है हमारी सॉइल प्रोफाइल की। इसे दो लेवल्स में डिवाइड किया है, OL1 और OL2। ओ होराइजन हमारी टॉप सरफेस की होती है, इसे वर्जिन सॉइल भी कहते हैं। वर्जिन सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि जहां भी अनकल्टीवेटेड लैंड एरियाज होंगे, ठीक है, मतलब वहां पे फर्टाइल सॉइल है लेकिन वहां पे कल्टीवेशन नहीं हुआ, तो वहां पे हमें ये ओ होराइजन जो है इजिली देखने को मिलती है। ये कैसे बनती है, क्यों बनती है, जब भी हमारा डिकम्पोजिशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, तो ये हमारी सॉइल का डेवलपमेंट होता है। अब इसकी जो फर्स्ट लेयर बनी, ये इसमें जो होता है हमारे पार्टली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। पार्टली डिकम्पोज होने की वजह से ये थोड़ी डार्क कलर की दिखती है, हमें दिखने को, हमें इधर विजिबल होते हैं इजीली प्लांट्स और एनिमल्स, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन OL2 में जाते ही ये थोड़ी मोर डिकम्पोज हो जाती है, तो यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, और ये जो होती है लाइट कलर की होती है इन कंपेरिजन टू द OL1, मतलब उससे जस्ट ऊपर वाली लेयर से। तो हमें ये पूरी टेबल में यही दिया गया है कि ओ होराइजन एज अ कंबाइंड कैसे, उसके फीचर्स क्या हैं, लोकेशन क्या है, और उसकी सॉइल्स, फिर जो है हमारे सब लेयर्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट है हमारी ए होराइजन। ए होराइजन में हम लोग, एक तो ए होराइजन ही हो गया, और उसके बाद उसके तीन सब लेवल्स आ जाएंगे। तो ए होराइजन को हम एलुवियल होराइजन भी कहते हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो पता होगा एलुवियल होराइजन्स होता क्या, नहीं देखे तो एक बार वो देख के आओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे चलेगा। फिर भी समझाने के लिए, एलुवियल जो होता है हमारा वॉशिंग आउट प्रोसेस को कहते हैं। वॉशिंग आउट का मतलब क्या है, वहां पे जो लीचिंग होगी या फिर हमारा मूवमेंट होगा न्यूट्रिएंट्स का, वो अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ होता है। और मैंने वहां पे भी बताया था मेनली ए टू बी मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर हमारा जो एलुवियल होराइजन इसे बोला जाता है। और इसकी जो लोकेशन होती है वो बिलो OL2, सबसे नीचे वाली जो लेयर थी ओ होराइजन में, सब सॉइल में अगर हम सब लेवल देखें उस ओ होराइजन का, तो OL2 पड़ रहा था, तो उसके जस्ट नीचे हमारा ए होराइजन आ जाता है। इधर जो होता है वॉशिंग आउट होता है, और मैक्सिमम लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सब लेयर्स, ठीक है, नीचे जाना लेयर्स के। अब इसमें सबसे पहली जो होराइजन आती है वो आती है हमारी ए होराइजन। ए होराइजन में सबसे अपर पार्ट होता है हमारा A1 का, A2 का हमारा मिडल पार्ट होता है, और A3 हमारा लोअर पार्ट होता है ए होराइजन का। A1 होराइजन में हमारे सबसे ज्यादा रिच ऑर्गेनिक मैटर और डार्कर इन कलर हमें इसका देखने को मिलता है। यहाँ पे वॉशिंग आउट होता है हमारे क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के पार्टिकल्स का, और ये जो होती है थोड़ी लाइटर इन कलर होती है इन कंपेरिजन टू द A1 होराइजन और ए होराइजन। A3 होराइजन में क्या है, सबसे नीचे वाला पार्ट है, तो ये इसे कंसिडर किया जाता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन का मतलब है बिटवीन ए एंड बी हमारा बफर जोन हो जाता है। ये थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हमारी ए से मिलेंगी, थोड़ी बी से मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर ए से मिलने की वजह से इसे A3 में लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है इसे हम इसीलिए बोलते हैं ट्रांजिशन बिटवीन ए एंड बी A3 होराइजन। हमें याद रखना है A2 होराइजन, और वहां पर भी एक जो हमारा लेवल है वो है B2। B2 हमें ज्यादा याद रखना है, A1 हमें याद तो ये रखना है, सब लेवल 3 होते हैं, लेकिन हमारा 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा हमारी वॉशिंग आउट हो रहे हैं आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा बी होराइजन। बी होराइजन हमारे ए होराइजन के नीचे आ रहा था, अब वहां पे वॉशिंग आउट हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉशिंग इन। तो इसको क्या बोलेंगे, इलुवियल। इधर लिख लेना, बी वाले होराइजन को हम इलुवियल भी बोलते हैं, इलुवियल होराइजन। अब यहाँ पे क्या हुआ, वॉशिंग इन हुआ, तो मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है उन्हीं, जो भी हमारे A2 होराइजन से चले थे, या ए होराइजन से हम कंबाइंड बोल दे आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड चले थे, कहीं तो जाके रुकेंगे, तो वो कहाँ रुक रहे हैं, बी होराइजन में। बी में भी कहाँ, B2 वाले पोर्शन में, ठीक है। तो B1 होराइजन में क्या होता है, ये उसका अपर पार्ट होता है, B2 होराइजन उसका मिडल पार्ट बनाता है, B3 होराइजन उसका लोअर पार्ट बनाता है। B1 पार्ट जो होता है ट्रांजिशन होता है ए और बी के बीच में, लेकिन वो क्या होता है, मोर लाइक बी होता है, इसीलिए हम उसे B1 होराइजन बोल देते हैं। B2 होराइजन में क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है क्ले और मिनरल पार्टिकल्स का, जो ए होराइजन से चले थे। और लोअर पार्ट ऑफ बी होराइजन होता है हमारा B3 होराइजन, जो कि ट्रांजिशन होता है बिटवीन B2C, लेकिन कैरेक्टर्स किससे सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, बी से, इसीलिए इसे इसमें कंसिडर किया जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी सारी बी वाले से मिलेंगी। इधर ही हमें क्ले पार्टिकल का एक्यूमुलेशन मिलेगा, हमें आयरन ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स हमें देखने को मिलेंगे। लास्ट आता है हमारे पास सी होराइजन और बेड रॉक।
सी होराइजन क्या होता है, ये जस्ट बिलो हमारा बी होराइजन फाउंड होगा, ठीक है। और इसमें क्या, इसके फीचर्स क्या है, वेदर्ड पेरेंट मटेरियल विद लिटिल ऑर्गेनिक कंटेंट। इधर क्या होता है, वेदरिंग जो हुई है वो हमारी पेरेंट मटेरियल की हुई थी, तो उधर फिर भी जो ऑर्गेनिक कंटेंट बना वो थोड़ा कम बनेगा। यहाँ पे जो हमारे फ्रेगमेंट्स होंगे थोड़े कोर्स टेक्सचर के होते हैं, तो यहाँ पे कल्टिवेशन सबसे बेड लेयर मानी जाएगी। इसे हमारे कल्टिवेशन के लिए कंसिडर भी नहीं कर सकते हम लोग। इसमें बहुत ही ज्यादा लिटिल ऑर्गेनिक कॉन्टेंट होता है और बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे या फिर हम हैवी बोल सकते हैं उन्हें, सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं। लास्ट आता है हमारे पास बेड रॉक। बेड रॉक जो होता है हमारा बॉटम ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में हम सबसे लास्ट में आ गए हैं, तो सॉइल प्रोफाइल के सबसे लास्ट में क्या आता है हमारे पास, बेड रॉक। ये अनकंसोलिडेटेड मास है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े हमें रॉक चट्टाने जैसे देखने को, चट्टाने तो नहीं मतलब फ्रेगमेंट्स काफी हैवी देखने को मिलते हैं। सेकेंड आता है एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट। यहाँ पे हम देखते हैं जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट्स जो है सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। ये जो होती है सॉलिड रॉक्स होती है और बहुत ही ज्यादा कम वेदरिंग प्रोसेस से हुई है, पार्शियली वेदर्ड रॉक्स हैं, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाली है वो वेल डिकम्पोज्ड एंड वेदर्ड रॉक्स हैं, तो उसमें क्या होता है वो बेस्ट होती है सॉइल कल्टीवेशन के लिए। एक बार हम इन्हें ब्रीफ कर लेते हैं पूरे टॉपिक को, तो हम ब्रीफ कर लेते हैं टॉपिक को। तो आज हम लोगों ने इस पूरे लेक्चर में पढ़ा कि ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल क्या है। कॉम्पोनेंट्स मतलब सॉइल के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके, जो कि सॉइल को फॉर्म कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा जो सॉइल होती है दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक तो सॉलिड स्पेस और दूसरा होता है हमारा पोर स्पेस। जो सॉलिड स्पेस होता है उसे हम अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू लेवल्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मिनरल मैटर और दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल मैटर जो होता है अबाउट 45% शेयर बनाता है सॉलिड स्पेस का, जबकि ऑर्गेनिक मैटर 5% ही शेयर बनाएगा। पोर स्पेसेस जो होते हैं हमारे, हमारे वाटर और एयर को कंसीडर किया जाता है। अब ये जो होते हैं रिलेटिव रेशियोज में पाए जाते हैं। रिलेटिव रेशियोज का मैंने मतलब बता दिया, मतलब हमारा 50% शेयर कांस्टेंट रहेगा लेकिन हमारे वाटर और एयर के बीच में चेंजेस आते रहेंगे रेशियोज के लेके। कभी इसका 35 हो गया तो इसका 15 हो जाएगा, इसका कम हुआ तो इसका ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे रहेगा। लेकिन दोनों का शेयर हम लोग ऑप्टिमम कंडीशंस के लिए 25% या फिर 25% ही मानते हैं, दोनों के लिए 25-25% मानते हैं। अब आता है हम लोगों ने इसके आगे पढ़ा कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। तो इसके आगे हमने देखा कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, तो सॉइल प्रोफाइल को हम लोग कुछ लेयर्स में, वर्टिकल सेक्शंस ऑफ सॉइल को ही हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाली लेयर आती है उसको हम बोलते हैं ओ होराइजन। ओ होराइजन में कितने लेवल्स होते हैं, दो लेवल्स, OL1 और OL2। अब ओ होराइजन को हम वर्जिन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि ये उन्हीं सॉइल में मिलेगी जहां पे कल्टीवेशन नहीं हुआ है, एरेबल लैंड एरियाज में। OL1 और OL2 क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ प्लांट्स और एनिमल्स का। प्लांट्स और एनिमल्स का डिकम्पोजिशन हमें देखने को मिलता है। OL1 में हम लोगों को पार्टली जो है डिकम्पोज्ड देखने को मिलेंगे प्लांट्स और एनिमल, जबकि OL2 में हमें वेल डिकम्पोज देखने को मिलेंगे। जो हमारा OL1 था यहाँ पे हमें थोड़ा डार्क कलर देखने को मिलेगा सॉइल का, और OL2 में हमें थोड़ा लाइट कलर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ए होराइजन। ए होराइजन में क्या देखने को मिलता है हमें, ओ होराइजन में हमें तीन लेयर देखने को मिलती है, A1, A2, A3। A1, A2, A3 का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे जो होगा हमारा A1 हमारा जस्ट बिलो ओ होराइजन होता है। A2 में जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते थे, इलुवियल होराइजन। इलुवियल मतलब वॉशिंग आउट, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स चलते हैं और बी होराइजन में जाके रुकते हैं। तो यहाँ पे हमें A2 वाली जो हमारी लेयर है, सब लेयर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहाँ यहाँ पे क्यों, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हमारा वॉशिंग आउट जो होता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में होता है, मैक्सिमम लीचिंग इसी पोर्शन में होती है सॉइल के। और A3 में क्या होता है, ये हमारा ट्रांजिशन जोन कंसीडर किया जाता है बिटवीन ए एंड बी। अब लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मोर लाइक ए होती हैं, इसीलिए हम इसे A3 बोलते हैं। ए के बाद कौन सी होराइजन आती है, बी होराइजन। बी होराइजन को भी तीन ही लेयर्स में डिवाइड किया गया है, B1, B2 और फिर B3। यहाँ पर भी हमारे जो है B2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वॉशिंग इन, या फिर हम इसे बी होराइजन को क्या दूसरे नाम से जानते थे, इलुवियल। इलुवियल मतलब वॉशिंग इन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा आयरन और एल्यूमिनियम और या फिर हमारे क्ले का।
एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड्स का और एल्यूमिनियम मिनरल्स का. और बी थ्री का क्या था, बी थ्री ट्रांजिशन जोन है बिटवीन बी एंड सी, बट इट्स कैरेक्टर आर मोर लाइक टू वर्ड्स बी, तो यहाँ पे हम इसे बी थ्री बोल देते हैं. नेक्स्ट बी के बाद आता है हमारे पास सी. तो सी होराइजन में क्या होता है, सी होराइजन में हमारा जो होते हैं वेल डिकम्पोज तो नहीं होते हैं, फ्रेगमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं बहुत कोर्स टेक्सचर की, यहाँ पे मिनरल जो कंटेंट होता है बहुत ही ज्यादा लेस होता है, इसकी वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है. तो सी होराइजन के बाद जो सबसे लास्ट आता है वो आते हैं हमारे बेड रॉक. बेड रॉक जो होते हैं सबसे नीचे होते हैं और यहाँ पे हमारी अनकंसोलिडेटेड मास माना जाता है इन्हें. यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी सॉइल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे पार्टली वेदर्ड रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं, हमारी पार्टली वेदर्ड रॉक्स. यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा रॉक्स को कम इफेक्ट किया है, तो यहाँ पे थोड़ी हमें कोर स्ट्रक्चर और भी ज्यादा बड़ी बड़ी रॉक्स देखने को मिलेंगी. इससे जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है सी में, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं कोर स्ट्रक्चर के. ठीक है, तो यही होगी हमारी सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल. अब इसमें एक और चीज थी, सोलम. सोलम पूछा जाता है, सोलम किस होराइजन को बोलते हैं, ए प्लस बी कंबाइंड को हम सोलम बोलते हैं. और रेगोलिथ जो होता है, जब भी वेदरिंग प्रोसेस हुआ, इट डजेंट मैटर कि फिजिकल से हुआ, केमिकल से हुआ, बायोलॉजिकल से हुआ, कॉम्बिनेशन होता है ए प्लस बी प्लस सी का. और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एकदम से धमक गया है हमारे पास लेयर मिल गई है, ऐसा कुछ नहीं होता. बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है इन लेयर्स को फॉर्म होने में. जब मैंने फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बताया था तो मैंने वहां पे डुकोचवे के 5 फैक्टर्स बताए थे, तो उसे भी देख लेना, क्योंकि उसमें बताया गया था कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल प्रोफाइल को बिल्ड करने में. मैंने वहां पे फंक्शन बताए थे सॉइल के, याद हो तो, रिलीफ, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ये सारे. तो वो हमें पता होने चाहिए, तभी हमें ये पूरा समझ में आएगा कि ये आ कहाँ से रहा, एकदम से इतने सारे टॉपिक कैसे आ गए एक साथ. एक साथ नहीं आए हैं, पढ़ोगे तो आएंगे समझ में कि ये जो है अब सॉइल प्रोफाइल डेवलप हो गई है, अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. अब ये कोर्स जो है थोड़ा हमारा एडवांस लेवल की तरफ जा रहा है, तो ये बेसिक्स तो पूरे कवर हो चुके हैं इस टॉपिक्स में कि हमें अब पता चल गया सॉइल क्या होती है, कैसे बनती है ना. अब सॉइल प्रोफाइल भी हमें पता चल गया, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, अब इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेंगी, तो वो सब इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर्स एक बार कर लो, तो ये जो टॉपिक है तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में. तो थैंक यू.